नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको न्यू ईयर 2022 के लिए इस प्रकार का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा होगा, आप अपने मोबाइल से इस प्रकार का पोस्टर बनाकर यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं। फोटो के नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का पोस्टर अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। तो देखिए, आपको पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले इस पिक्सेल वेब की आवश्यकता होगी, जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको मालूम है पिक्सेल वेब पहले से नहीं है तो आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे आपको पहले से डाउनलोड कर रखा है, चेंज ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही आप अपने मालूम में पिक्सेल वेब को ओपन करोगे, आपके सामने स्क्रीन का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। इसे हटाने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट हट चुका है। अब आपको नीचे यहाँ पर इस बॉक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसको तो आपको यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर फ्रॉम गैली का आइकन देखिए, आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। गैली में आने का तो आपको इस इमेज को चूज कर लेना है। मैंने इमेज पहले से बना कर रखी, जिससे आपको पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी हो। अब आपको नीचे यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। चलिए, अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपको इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को बीच से कट कर देना है और आपको अपने मैंने गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर KBM हेल्प लिख दिया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर KBM हेल्प लिखकर सर्च करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसी पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी वेबसाइट पहुँच के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको वेबसाइट के यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 152 पोस्टर लिखकर सर्च करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 152 पोस्टर लिख दिया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर 152 पोस्टर लिखकर नीचे यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आप वहाँ पर 152 पोस्टर लिखकर सर्च करोगे, आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा नया साल का पोस्टर कैसे बनाएं। आप किसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ। इस प्रकार आपको यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के आपको यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सेकंडें चलती दिख रही होंगी। देखिए, जैसे यहाँ पर सेकंडें खत्म होंगी, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ चुका है। आपको इसी डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वो वाली इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब फिर से आपको यहीं पर आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के ऊपर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है और आपको न्यू टेक्स्ट को हटा देना है। न्यू टेक्स्ट को हटा देने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आप सभी देशवासियों को लिख दिया है। आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर ये ब्लू वाला कलर चूज कर लेना है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा आगे जाकर ए वी फॉन्ट का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसी पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल चुका है। अब आपको फिर से थोड़ा आगे जाना है। यहाँ पर आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर शैडो का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर शैडो पर क्लिक करना है। इसे आपको इनेबल कर देना है और आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर स्टॉक वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसे भी आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इसमें आपको यहाँ पर बैट वाला कलर चूज कर लेना है। अब आप यहाँ पर इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा दीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ बढ़ा दी है और आप यहाँ टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब इसे आपको यहाँ पर छोटा करके सही से लगा देना है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली का आइकन दिखेगा। आपको यहाँ पर फ्रॉम गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। गैली में आने के बाद आप अपना जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो को चूज कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इस फोटो को चूज कर लिया है। अब आप अपने फोटो को इतना सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लिया है और आप यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, फोटो यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने इस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर पहले से हटा रखा है। अगर आप अपने फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कलर हटाना नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको इसे छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखने के लिए फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। नीचे उसको यहाँ पर लेकर डबल टैप करना है और आपको नीचे उसको हटा देना है। नीचे उसको हटा देने का सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर से आप नीचे यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आगे जाकर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर चूज कर लेना है और आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक करके थोड़ा आगे जाना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर से इसका फॉन्ट बदल कर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसे आपको यहाँ पर छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख चुका है,
जैसे मैंने आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना बताया है, इस प्रकार आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया, इस प्रकार आपका पूरा पोस्टर बन जाएगा। अब आपको इसे सेव करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। देखिए पोस्टर फोन गैलरी में सेव चुका, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।